नंबर एक, टाइटेनोबोआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सांप था। यह लगभग 13 मीटर लंबा है और इसका वजन 1135 किलोग्राम था। नंबर दो, यह लगभग 60 मिलियन वर्ष पुराना है और अब विलुप्त हो चुका है। नंबर तीन, टाइटेनोबोआ के जीवाश्म 2009 में कोलंबिया के ला गुआरा में एक कोयले के खदान में पाया गया था। नंबर चार, टाइटेनोबोआ को किसी ने नहीं देखा है या फिर उसकी कोई तस्वीर नहीं है। इसके जीवाश्मों को एक अलग प्रागैतिहासिक जानवर के लिए गलत माना जा सकता था और इसका मतलब है कि टाइटेनोबोआ एक पौराणिक प्राणी हो सकता है। नंबर पाँच, क्या आप जानते हैं कि टाइटेनोबोआ अपने शरीर के हिसाब से बहुत ही कम खाना खाता था, लेकिन जब वो भोजन करता था तो वो दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में पाए जाने वाले प्राचीन सेरेजॉन फॉर्मेशन के मगरमच्छों को ही खा जाता था। नंबर छह, मगरमच्छ की इन प्रजातियों को खाने के बाद टाइटेनोबोआ बाकी पूरे साल भर तक भोजन नहीं करता था।